योगी की दूध बनकर पहुंची अपर्णा यादव, जिम्मेदारी मिलते ही छोटी बहू अपर्णा ने मचा दी खलबली। शिवपाल यादव पर आ गई सबसे बड़ी खबर। सही वक्त पर अपर्णा पर योगी ने खेल दिया दांव। सपा के भीष्म को योगी देंगे जगह। अखिलेश यादव की उड़ गई नींद, एक तस्वीर से मच गई खलबली। अखिलेश यादव के सामने एक बार फिर से छोटी बहू अपर्णा यादव दीवार बनकर सामने आ गई है। क्या सपा के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? आदेश मिलते ही अपर्णा यादव योगी की दूध बनकर सपा के भीष्म पितामह से मिलने पहुंच गई। जिस तुरुप के इक्के को योगी ने संभाल कर रखा था, अब उसे फेंक दिया है। ढाई साल पहले जब अपर्णा यादव अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई थी, उस दौरान कहा गया था कि उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि लोकसभा चुनाव में सांसद बनाकर अपर्णा यादव को दिल्ली भेजा जाएगा। अपर्णा को लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया, लेकिन अब अपर्णा यादव पर योगी ने सबसे बड़ा दांव खेलकर पूरी समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी है। खबर है कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने का मन बना रहे हैं। सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंजवा और खैर भाजपा के पास थी। मीरापुर सीट से भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक सेवा दल के विधायक थे। सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर में यादव और मुस्लिम हार जीत तय करते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में अब बगावत की खबर है। खबर है कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को 50-50 का फॉर्मूला दिया है, मतलब आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का, जिसके लिए अखिलेश यादव कभी राजी नहीं होंगे। अखिलेश और राहुल गांधी के रास्ते अब अलग दिखने लगे हैं। इसी बीच योगी ने अपर्णा यादव को मैदान में उतार कर सपा की दुखती नब्ज पर वार कर दिया है। अपर्णा यादव अखिलेश और डिंपल यादव से मिले ना मिले, लेकिन शिवपाल यादव से वक्त वक्त पर मिलती रहती है। इस वक्त यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक एक सीट को जीतने के लिए मंत्री और स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। लोकसभा में हार के बाद योगी ने उपचुनाव में अब अपने अपर्णा ब्रह्मास को निकाल लिया है। सबसे पहले अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ ने यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष की कुर्सी दी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा को योगी ने क्यों दी, इसके आगे की रणनीति को इस तस्वीर से समझिए। जब अपर्णा यादव सीधे शिवपाल यादव से मिलने पहुंच गई, रिपोर्ट के मुताबिक अपर्णा योगी का संदेश लेकर शिवपाल यादव के पास पहुंची। अपर्णा यादव राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, महिला अधिकारों पर भी खुलकर बोलती हैं। पहली बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अपर्णा अचानक से सेंटर में आ गई है। 2022 के चुनाव में अपर्णा ने योगी के लिए प्रचार किया था, जिसका असर भी दिखा था, लेकिन 2024 के चुनाव में अपर्णा ने कोई रैली नहीं की। अगर अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतारती तो शायद यादव वोट बैंक पर कुछ सेंध लग सकती थी। अब यादव वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए ही योगी ने अपर्णा को मैदान में उतार दिया है। यूपी का उपचुनाव योगी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। योगी हर हाल में सभी 10 सीटें जीतना चाहेंगे, इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सभी यादव बाहुल्य सीटों पर अपर्णा को प्रचार के लिए भेजने की तैयारी है। अपर्णा के पास ये सबसे बड़ा मौका अपने आप को साबित करने का भी है। खबर तो ये भी है कि अखिलेश यादव ने भी डिंपल यादव को तैयार रहने के लिए कह दिया है, मतलब देवरानी जेठानी के बीच आमने सामने से टकरार देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद शिवपाल यादव से आशीर्वाद लेने के लिए अपर्णा यादव पहुंची, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर है कि अपर्णा यादव योगी का संदेश लेकर पहुंची है। कहते हैं राजनीति में सब कुछ अचानक होता है। अपर्णा भी इसी तरह से बीजेपी में अचानक ही शामिल हुई थी। शिवपाल यादव भी 2022 से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ उतर गए थे। खबर है कि शिवपाल यादव भी अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बना गया। अगर अपर्णा यादव सपा के पितामह को तोड़ने में कामयाब हो गई तो अखिलेश यादव के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। क्या उपचुनाव में अपर्णा यादव वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ पाएंगी? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें।